ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم برادران عزیز سورہ مبارکہ بقرہ کی 208 نشان آیت کے ذیل میں جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں وہ سلسلہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے. بات حسینی کردار کی ہو رہی ہے, بات یزیدی کردار کی ہو رہی ہے جو قیام قیامت تک کے لیے ہر ذی شعور کے لیے ایک عبرت بن چکا ہے. یعنی اگر کوئی حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حسینی کردار
आइडियल है और कोई बातिल परस्त रहना चाहता है तो जाहिर है उसके लिए यजीदी किरदार काफ़ी है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मददगार चाहे जैसे भी थे, इमाम हुसैन को उनको लेकर जाना चाहिए था। मैं बग़ैर किसी का इंतज़ार किए अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मक्के से जिस वक्त इमाम हुसैन चले थे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि उस वक्त करबला जाने वालों की तादाद तकरीबन 500 अफराद के आसपास थी। इतना बड़ा फिगर इमाम हुसैन के साथ था, यानी ये 500 लोग वो थे जिन्होंने अपनी हथेली पर अपना सर रखा हुआ था। सबको मालूम था कि मरने जाना है, ये वो लोग थे जिनकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। ये कंफर्म हो चुके थे कि हाँ चलो इमाम हुसैन का साथ देना। ये 500 लोग वो थे कि जो लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे थे। ये 500 लोग वो थे जो इमाम हुसैन को अपना इमाम मानते थे। मैंने अक्सर अर्ज़ किया है कि सिफीन में लड़ने वाले जो मौलाए कायनात के साथी थे, वो सब के सब हज़रत अली को पहला खलीफा नहीं मानते थे। शायद 50% से कम की तादाद उनकी थी जो हज़रत अली को पहला खलीफा मानते थे। 50% अबव वो लोग थे जो हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते थे। लेकिन इमाम हुसैन के साथ जो करबला जाने वाले लोग थे, वो लोग थे जो इमाम हुसैन को तीसरा इमाम मानते थे। और मैं मक्के की बात कर रहा हूँ अभी। इनकी तादाद तकरीबन 500 के आसपास थी। तो मुझे ये लगता है कि हमारे ऊपर ये वाजिब है कि हम मिंबर पर बैठकर बताएं कि करबला के जिस सफ़र का आगाज़ इमाम हुसैन से मदीने इमाम हुसैन ने मदीने से किया था, वो किन शाहराहों से गुज़रता हुआ और किस तारीख के साथ करबला पहुंचा है। आखिर इमाम हुसैन लोगों को कम क्यों कर रहे हैं, कभी आपने इस पर गौर किया है? हर आदमी जो जंग करना चाहता है, वो चाहता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ हों। हर आदमी यही चाहता है। और आप जब इमाम हुसैन की करबला जाने की तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे जैसे इमाम हुसैन का सफ़र आगे बढ़ता जाता है। मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इमाम हुसैन के साथ ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन जब चले थे तो भीड़ के साथ चले थे, लेकिन जब करबला पहुँचे तो तन्हा रह गए। 500 लोगों की तादाद, आखिर ऐसा क्या होता है कि इन 500 की तादाद में तकरीबन 80% लोग छट जाते हैं और सिर्फ 20% लोग इमाम हुसैन के साथ रहते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80% लोगों में से अक्सर वो लोग थे कि जिनको इमाम हुसैन ने ख़ुद अलग किया था कि तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। बोला मैं आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन तुम जा नहीं सकते हो। हमारे साथ सिर्फ वही जाएगा जिसकी गर्दन पर किसी का हक ना हो। बहुत सख्त मरहला है, बहुत सख्त मरहला। सिर्फ वही जाएगा जिसकी गर्दन पर किसी का हक ना हो। कोई छोटा हक हो या बड़ा हक हो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई हक नहीं होना चाहिए किसी का। कोई किसी का मकरूज है, किसी ने किसी की ज़मीन गस्प कर रखी है, किसी ने किसी का माल गस्प कर रखा है, इवन किसी ने किसी की गीबत कर रखी है, ये बड़ा छोटा सा मसला है, बहुत छोटा सा मसला। कोई अगर गीबत करने वाला है तो इमाम हुसैन के साथ नहीं जा सकता है। ये इमाम हुसैन ने कहा, ये तारीख है, ये तारीख है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं जाओ, तुम जिसकी तुमने गीबत की थी पहले उससे माफ़ी मांग के आओ। आप सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले। जिसकी तुमने गीबत की है पहले उससे
माफ़ी मांग कर आओ, पाकीज़ा बन कर आओ। बुनियादी शर्त यह है कि इंसान पाकीज़ा हो जाए। जब तक पाकीज़ा नहीं होगा इमाम हुसैन के शाने से शाना मिलाकर खड़ा हो ही नहीं सकता है। पाकीज़ा लोगों के की महफिल में नापाक लोगों की कोई जगह नहीं होती है। नापाक होना सिर्फ छींट पड़ जाने से नहीं होता है, ये छींट पड़ जाना आपके कपड़े को नजिस करता है। नजिस पानी जो होता है वो सिर्फ़ आपके कपड़े को नजिस करता है, लेकिन अगर ग़ज़ा नजिस हो गई तो वो आपकी रूह को नजिस कर देती है। और जब रूह किसी की नजिस हो गई है तो वो पाकीज़ा और तैयब व ताहिर लोगों के साथ उनकी हमराही कर ही नहीं सकता। लिहाजा ये जो मौजू मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है, ये जो तारीख़ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये सब किस लिए है? ये सब इसलिए ताकि हम इबरत ले सकें उन लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो इंसान गुनहगार होगा वह इमाम हुसैन के साथ नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इमाम हुसैन ने गुनहगारों के लिए दरवाज़ा नहीं बंद किया है, याद रखिएगा। इमाम हुसैन ने गुनाहों पर मुसिर रहने वालों के लिए दरवाज़ा बंद किया है। काश मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। गुनाह करना और है, गुनाहों पर बाकी रहना और है। अगर गुनहगारों के लिए दरवाज़ा बंद होता तो कभी हुर नहीं आता। हुर का आना इस बात की अलामत है कि नहीं, इमाम हुसैन ने दरवाज़ा खोल रखा है। जैसे कल मैंने कुरान मजीद की आयत आपके सामने पेश की थी कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, खुदा बंदे आलम किसी को पसंद करता है ये अलग बात है, लेकिन तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है, चाहता है तौबा करने वालों को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एक बार तौबा तोड़ दी, दो बार तौबा तोड़ दी, लेकिन एक बार फिर मुसम्मा में इरादा करो कि नहीं अब नहीं करना, फिर आओ। तवाबीन, तवाब कहते, खुदा बंदे आलम ने यह नहीं कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत ताइबीन, खुदा तौबा करने वाले को पसंद करता है, नहीं, खुदा बार बार तौबा करने वाले को पसंद करता है। वो लोग जो तवाब हैं, बार बार तौबा करते हैं, उनको पसंद करता है। क्योंकि हम लोगों की हैसियत क्या है? ये जो आप नमाज के बाद अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ते हैं, ये हमारे मोहतरम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं ना, क्यों पढ़ते हैं? ये हवा में नहीं पढ़ते, हुक्म है, हुक्म है हर नमाज के बाद अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैही पढ़ने का, हुक्म है हर नमाज के बाद तौबा करने का, हुक्म है हर नमाज के बाद इस्तग़फार करने का। उसकी दो वजह, क्योंकि एक नमाज के बाद जो दूसरी नमाज आती है उस दौरान जितने भी गुनाह हुए हैं, फिर खुदा के सामने हम जाके कहते हैं माबूद, फिर माफी मांगने आ गए। और दूसरी हिकमत उलमा ने यह बयान की है कि नमाज के बाद इस्तग़फार इसलिए कहो, रिवायत याद आ गई, सुन लीजिए, हम्माद इब्न ईसा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सहाबी है, एक दिन उससे कहते हैं इमाम के, हम्माद तुम्हें नमाज आती है? कैसा सवाल है, हम्माद तुम्हें नमाज आती है? कहा, फरजंदे रसूल, नमाज की रिवायतें आपसे नकल करके मैं लोगों के दरमियान बताता हूं, रावी है, आप ही से तो नकल करता हूं मैं। कहा, मेरे सवाल का जवाब तो नमाज आती है। कहा, मौला बिल्कुल आती, कहा पढ़ के दिखाओ। नमाज पढ़ ली, इमाम ने कहा, हम्माद ये वो नमाज नहीं है जो खुदा ने मांगी है। अल्लाह अकबर, ये सहाबी का आलम है। हम्माद ये वो नमाज नहीं है जो खुदा ने हमसे मांगी है, नमाज के बाद एक बार इस्तग़फ़ार किया करो ताकि खुदा वंदे आलम के सामने कह सको कि माबूद ये वो नमाज नहीं थी जो तूने मांगी थी, हमने कोशिश की थी, माफ़ कर दे, हमने कोशिश की थी कि हम सही नमाज पढ़ सकें। बड़ा सख्त है। इमाम खुमैनी कहते हैं कि मैदान महशर में कई मरतबा ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को अपनी नमाजों पर शर्मिंदा होना पड़े कि ये नमाज भेजी है हमने, ये नमाज खुदा ने मांगी थी हमसे। जिस नमाज में हम खड़े होते हैं तो दुनिया भर के ख्याल हमें घेर लेते हैं, दुनिया भर के ख्याल घेर लेते हैं। ये नमाज जो हम और आप पढ़ते हैं,
बड़ा सख्त मरहला है, बड़ा सख्त मरहला है। इंसान को तमाम वसवसों से महफूज रहने के लिए भी खुदा से मदद तलब करनी चाहिए, तमाम वसवसों से महफूज रहने के लिए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब एक इंसान घर से निकलता है तो दो तरह की फ़ौज उसका पीछा करती है, एक रहमानी फ़ौज होती है और एक शैतानी फ़ौज होती है। फॉलो कीजिएगा, आप घर से निकले इधर, इधर घर से निकले कि ये दोनों फ़ौज आपसे लग गई। घर से निकलने का मतलब होता है बेदार होना, जब आप बेदार हुए तो दो फ़ौज आपके पीछे लग गई, एक रहमानी फ़ौज है एक शैतानी फ़ौज है। अब देखना यह है कि आप किस फ़ौज के साथ के साथी बनते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि जो जिस फौज का तुम साथ देते हो तुम उसी फौज के साथ ही बन जाते हो। तो कहा मौला इससे बचने का तरीका का बहुत आसान तरीका है, जब घर से निकलो या सुबह अपने काम को शुरू करो तो कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। दुआ और भी है, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। लेकिन कुछ नहीं कह सकते हो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बस बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो। कहा मौला उससे क्या होगा, कहा शैतानी फौज तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। हम लोग बचपने से सुनते थे कि अल्लाह का नाम सुनकर शैतान भागता है, भागता है ना, वाकई भागता है। आप हैरान हो रहे होंगे साहब, एक बिस्मिल्लाह पढ़ लिया उसका इतना बड़ा असर हो गया कि शैतान हमारे पीछे नहीं आएगा फिर। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान की चाल और उसके मकरो फरेब से बचो। तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो मैं बच जाऊंगा, हाँ बच जाओगे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लो कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह करना, एक आदत। आप पूछ रहे थे ना कि तरीका क्या है, अब मैं तरीके बता रहा हूं। एक आदत अपनी बना लें, जो भी काम करेंगे उस काम से पहले क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे से ज्यादा गुनाह तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आओ गीबत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि कोई गीबत करने बैठे जैसे बिस्मिल्लाह कहेगा, नहीं ये तो गीबत है। खुदा याद आ गया ना, खुदा याद आ गया तो गुनाहों से बच जाएगा, वो बच जाएगा। मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कोई ऐसा चैनल आ गया जो नहीं देखना चाहिए, हराम है, तो देखने से पहले बिस्मिल्लाह कह दो तो ख्याल रहेगा कि खुदा भी देख रहा है, तुम भी देख रहे हो, तो जो कुछ भी तुम देखोगे उसको खुदा भी देखेगा। बिस्मिल्लाह कह दो खुदा आ जाएगा, खुदा तुम्हारे साथ है, शैतान चला जाएगा पास से, वो वसवसा नहीं करेगा। इतना असर होता है जी, इतना असर होता है। अब मैं आपको बताऊं, मौलवी आता है आपके पास तो आप तो मुर्गा ही खिलाते हैं ना उसे ज़्यादातर, हैं? बिस्मिल्लाह का असर कितना होता है, मुर्ग वही है जो दुकानों में है, आप घर पे ले आओ और उसकी गर्दन मरोड़ दो और गर्दन मरोड़ के उसे पका दो, शरीयत कहती हराम है। हराम क्यों, हराम क्यों है, एक हलाल गोश्त जानवर को एक आपके बिस्मिल्लाह कहने से वही हलाल गोश्त जानवर आपके ऊपर जायज हो जाता है, और एक बिस्मिल्लाह आप नहीं कहोगे तो वही हराम हो जाएगा। एक जानवर को जो हलाल गोश्त बना दे वो बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह का इतना असर है, बिस्मिल्लाह का इतना असर है। बस आप अकीदे के साथ तो कहें ना, आकाए सैयद मुर्तज़ा सैयद रज़ी के भाई जिन्होंने नजुल बलागा जमा की है, बगदाद में थे, ये बगदाद में दर्स कहते थे, तो ये बात आ गई इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। दर्स कहते थे तो उनका एक शागिर्द जो था वो हमेशा देर से आता था, हमेशा। तो उन्होंने कहा कि तुम देर से क्यों आते हो, कहा कि हुजूर मैं दरिया के उस पार से आता हूँ और मुझे कश्ती चाहिए होती है, कश्ती में इतनी भीड़ होती है कि कई मरतबा इंतज़ार करना पड़ता हो कि ये उन लोगों को उधर छोड़ के आए फिर मैं उस पर सवार हूँ, तो ताखिर हो जाती है, मैं पहले चलता हूँ तब भी ताखिर हो जाती है।
तो उन्होंने कहा अच्छा क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद वो मिले उनसे, उन्होंने एक पर्ची दी, कही रख लो, आप लोग तावीज़ें मांगते हैं ना, तावीज़ दी, कही रख लो, और जहाँ से सब सवार होते हैं वहाँ नहीं रहना, ज़रा उधर कोने पे चले जाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना रहा हो, जब देख लेना कि कोई देख नहीं रहा है तो चुपचाप से पानी पे चल के आ जाना। ये रोज़ का मामूल हो गया उनका। फिर वो राइट टाइम हो गए, वो राइट टाइम हो गए, बिल्कुल बर वक्त आने लगे। तो उन्होंने पूछा आप क्या आप कोई अब ताखिर तो नहीं? कहा नहीं मौला, क़िबला आपने जो दिया था मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, बस चुपचाप से आ जाता हूँ। वो एक दिन वसत दरिया में ये ख्याल आ गया कि क्या दे दिया इन्होंने कि हम पानी पे चल ले रहे हैं, दे क्या दिया इन्होंने। तो वहीं दरिया के बीच में खोल दिया, खोला तो देखा लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना बस, वैसे उन्होंने भी कहा बस यही, और बस वहीं तो वहीं, वो फिर ठहरे थोड़ी पानी पे, क्योंकि उनका यकीन था जो संभाले हुआ था, ये इनकी हरकतें थी जिसने इन्हें डुबा दिया, डुबा दिया, वहीं गर्क हो गए। वो बाद में निकल के आए तो पता चला कि साहब खोल के देख लिया था इन्होंने, ये बिस्मिल्ला है। अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि मैंने सैकड़ों मरीज सिर्फ सूरह हम से ठीक कर दिए हैं, सैकड़ों मरीज। आप अम्मा युजीब पढ़ते हैं, हालांकि आगे मोहसिन कराती इसके बारे में कहते हैं कि हमने कहीं नहीं देखा कि अम्मा युजीब किसी मरीज के लिए या किसी चीज़ के लिए भी पढ़ा जाए, कहीं ऐसी कोई रवायत नहीं है, सूरह हम्द के लिए है। ये आगे कराती का जुमला मैं नकल कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई मुझे ब्लेम ना करे, क्योंकि जो चीज़ बहुत राइज हो जाती है ना हमारे माशरे में उसके ख़िलाफ़ बोलना बड़ा सख्त होता है। अरे साहब देखो अब ये इसके लिए भी बोलने लगे। कि आगा कराती ने कहा हमने कहीं नहीं देखा। मैं क्या, मेरा मुतालिया क्या, मैं एक तालिब इल्म हूँ इस मकतब का। आगा कराती 35 साल से सिर्फ कुरान की तफसीर कह रहे हैं। आगा कराती वो हैं कि जिनकी तारीफ़ें आयतुल्ला खामनेई करते हैं, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं। वो कहते हैं मैंने कहीं देखा ही नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा कि अम्मा युजीब को पढ़ा जाए शिफा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन सूरह हम्द के लिए आया है, सूरह हम्द पढ़ो शिफा के लिए, ये रिवायतों में आया है, किसी भी मरीज के शिफा के लिए, मुर्दों को बख्शने के लिए भी नहीं है, जिंदों को जिंदगी भी सूरह हम्द अता कर देता है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वजह फरमाने जिंदों की ज़िंदगी के लिए भी है। सूरह यासीन अपने मामूल में रखें, सूरह यासीन, सूरह हम्द, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इन अज़कार का विर्द करें। बहरहाल ये सारी करबला को जो हम सुना रहे हैं, जो करबलाई किरदार हम बता रहे हैं, ये सब किस लिए है? ये इबरत के लिए है, ये सब का सब इबरत के लिए। कल हमने पैसर साद के हवाले से जो दुनिया परस्ती की बात की वो किस लिए था? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि इबरत। दुनिया परस्ती ने कभी किसी को कहीं नहीं पहुंचाया है, कहीं नहीं पहुंचाया, आप यकीन जाने। हालांकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जहां पर उसी को रश की निगाहों से देखा जाता है जिसके पास बहुत सारी दुनिया आ जाती है, उसी को हम रश की निगाहों से देखते हैं। लेकिन अगर आप उसका माहसल देखेंगे, नतीजा देखेंगे, तो नतीजा कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं। वो एक दिन आपको मालूम होगा, अरे पता चला फलां साहब गुजर गए, कितनी मेहनत की उन्होंने, कितने पैसे कमाए, लेके एक भी नहीं गए। तवज्जो फरमाने, दुनिया यही है, दुनिया यही, ये सब का सब इबरत के लिए होता है। एक शख्स है अबू उमर नाम का, कूफे के मशाहिर में से है, सब लोग जानते हैं, शोहरत है उसकी। इमाम सैयद सज्जाद का ज़माना था, तकरीबन गुज़र गया था इमाम सैयद सज्जाद, यानी आखिर में। अब्दुल मलिक उस वक्त बादशाह था कूफे में, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान मलऊन, खुदा की लानत है, चूँकि वलीद के हाथों इमाम सैयद सज्जाद की शहादत हुई है और उसका बाप अब्दुल मलिक इब्ने मरवान। अब देखिए इबरत, इबरत की बात कर रहा हूँ, इबरत लेना किसे कहते हैं? लोग सीखते नहीं हैं, लोग सीखते नहीं हैं।
हम लोग को थोड़ी देर याद रहता फिर हम भूल जाते हैं। अबू उमर बैठा हुआ था, अब्दुल मलिक का दरबार सजा हुआ था, अबू उमर बैठा हुआ था तो उसने देखा कि मुसअब इब्ने ज़ुबैर का सर आया है। मुसअब जम समझ गया, मुसअब या मसअब नाम था उसका, इब्न ज़ुबैर का बेटा, ज़ुबैर के जो बेटे थे वो इब्ने ज़ुबैर कहलाते थे, ये मक्के में हुकूमत किया करते थे। ठीक है, ज़ुबैर के बारे में भी कल मौका मिला तो बताऊँगा, बाप बेटे सब की हरकतें बताऊँगा, ये सब इबरत के लिए। ये अब्दुल मलिक बैठा हुआ था दरबार में, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि ये लोग भी बहुत सर उठा रहे थे ना, इब्ने ज़ुबैर वगैरह जितने भी थे, तो मुसअब भी कई इलाकों में हुकूमत कर रहा था, तो अब्दुल मलिक ने उस पर फतह पा ली और मुसअब का सर आया। तो ये जो अबू उमर बैठा हुआ था ये कांपने लगा उसे देख के, जैसे ही सर आया ना, तश्त में इन लोगों का दस्तूर था, वो कांपने लगा। तो अब्दुल मलिक कहता है तुम खुश नहीं हुए मेरे दुश्मन का सर आया है? क्या मेरे सामने पूरी तारीख है जिसने मेरे बदन पे कपकपी तारी कर दी है? कहा मैं समझा नहीं। कहा मुझे याद है मैं इसी दरबार में यहीं पर जहां बैठा हूं अभी यहीं पर बैठा हुआ था। सुन अब्दुल मलिक, मैं इसी दरबार में बैठा हुआ था जहां तू बैठा है वहां इब्ने ज़ियाद बैठा था और हुसैन का सर आया था। थोड़ा सा वक्फा गुजरा, थोड़ा सा वक्फा, उसी मसनद पे मुख्तार बैठा था और इब्ने ज़ियाद का सर आया था। एक ही आदमी है, तारीख के ये सारे मंजर देख रहा है। का थोड़ा सा अरसा गुजरा, मुख्तार बैठा था और तश्त में इब्ने ज़ियाद का सर आया, और कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुसअब बैठा था, मुसअब इब्ने ज़ुबैर और मुख्तार का सर आया था। आज तू बैठा हुआ है और मुसअब का सर आया है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि तेरे बाद कौन बैठेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सर भी मुझे देखना पड़े। इतना डर गया अब्दुल मलिक इब्ने मरवान कि उसने पूरे महल को गिरा दिया। कहा नहीं, अब यहां पर नहीं बैठूंगा, दूसरा महल बनवाया। इबरत लेना ये नहीं है कि जगह मिटा दो, इबरत लेना ये है कि किरदार बदल दो। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं, इबरत ये है कि किरदार बदलो ना, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो, बदलो। ये इमाम हुसैन ने जो दरसगाह दी है तुम्हें, ये बदलने के लिए दी है। एक ज़माने से हमारे जहन में एक तसव्वुर बैठा हुआ है कि सवाब के लिए मजलिस में जा रहे हैं, सवाब के लिए मजलिस में जा रहे हैं, सवाब के लिए मजलिस में जा रहे हैं। मैं अभी यहाँ पर सवाल करूँ, सवाब किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द सवाब जो आप लेने के लिए आते हैं, क्या है, क्या चीज़ है वो सवाब, किसे कहते हैं सवाब? मतलब क्या है, कोई तबर्रुक है? देखिए हमारे यहाँ मजलिसों का सिस्टम बड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ये मुझे नहीं मालूम हमारे यहाँ ये तबर्रुक देने का सिस्टम कब से शुरू हुआ है मजलिस में, लेकिन जब से भी शुरू हुआ है अच्छा अच्छा है। इसे परवान चढ़ाएं, हिस्सा लें। ये जो फ़र्श बिछाया जाता है ना, ये हुसैन के नाम पर बिछाया जाता है, और हुसैन के नाम पे बिछाया ही इसलिए जाता है ताकि कुछ दिया जा सके। समझ रहे हैं आप? हुसैन के नाम पे ये फर्श, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ता हूँ, हुसैन के नाम पे ये फर्श बिछाया ही इसलिए जाता है ताकि कुछ दिया जा सके। रूह की ग़िज़ा भी दी जाती है, जिस्म की ग़िज़ा भी दी जाती है। ये तबर्रुक का सिस्टम हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू ही इसलिए किया है कि अगर फर्श पे किसी को कुछ ना भी मिला हो तो कम से कम जाते जाते ये तो लेता जाए, ये तो ना कहे कि हाँ हुसैन के यहाँ गए तो कुछ भी नहीं मिला। ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है कि कोई दर हुसैन पे आए और खाली हाथ चला जाए। असली दर्स तो यहाँ मिलना है ना, असली दर्स यहाँ मिलना है। और वो दर्स क्या है?
وہ درس کیا ہے؟ آپ کو جذباتی بنانے کے لیے مجلسیں نہیں رکھی گئی ہیں. اسلام جذبات کو قبول نہیں کرتا ہے، جذبات کو قبول نہیں کرتا ہے، جذبات میں دی گئی قربانی کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکوں. جذبات میں، اچھا ان کے یہاں سنا اس بار بہت بڑا بکرا آیا تھا، میں بھی لاؤں گا. جذبات میں لے آئے، وہ بیچارے 50,000 کا لائے تھے، انہوں نے 1,00,000 کا بکرا خریدا. یہ جذبات کی قربانی ہے، یہ دکھانے کی قربانی ہے کہ دیکھو ہمارے پاس زیادہ حیثیت ہے. جذبات کی قربانی نہیں ہے. اس نے یہ کھلایا تھا، ہم یہ کھلائیں گے. اس نے یہ کیا ہے تو ہم یہ کریں گے. اور کمال یہ ہے کہ یہ سب مجلسوں کے نام پہ ہو رہا ہے، یہ سب مجلسوں کے نام پہ ہو رہا ہے. آپ کے یہاں نہیں ہو رہا ہوگا، اچھی بات ہے، کئی جگہوں پر ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے. اسلام، کاش میرا جملہ پہنچ جائے، اسلام جسے امام حسین نے بچایا ہے وہ مذہب ہے جہاں جذبات میں دی گئی قربانی قبول نہیں ہوتی، وہ مذہب ہے کہ جہاں پر جذبات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، جذبات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. کہ نہیں یہ جذبات میرے اپنے ہیں، ذاتی ہیں. ذاتی جذبات نہیں، خدا کے لیے جو کچھ کرو وہ سب کا سب خدا کے لیے کرو. آپ مجلس میں آئے ہیں ثواب کے لیے. دیکھیے، اب چونکہ کل آخری مجلس ہے لہٰذا مجھے لا محالہ یہ باتیں عرض کرنی ہی کرنی ہیں، چونکہ میں اس امید میں نہیں رہتا کہ آپ دوبارہ پھر بلائیں اور پھر دوبارہ میں یہ پڑھوں. اور میں اس نہ امید میں رہتا ہوں، چونکہ ہر مجلس کو میں اپنی آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں. اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے یا نہیں ملے، جو بات مجھے پہنچانی ہے وہ میں پہنچا کے جاؤں گا. کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ سب کو خدا طولانی عمر عطا کرے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے مجھے سن رکھا انہوں نے شاید یہ بات سن رکھی ہو کہ اگر ہم 20-25 سال سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، امام حسین کی درسگاہ میں جا رہے ہیں، کربلا کے اسکول میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی آف کربلا میں جا رہے ہیں، میں 20 سال سے جا رہا ہوں، میں 30 سال سے جا رہا ہوں، میری پوزیشن الگ ہونی چاہیے اس سے جو 5 سال سے جا رہا ہے. میری کنڈیشن اس سے الگ ہونی چاہیے جو ابھی ابھی آیا ہے. میں 20 سال سے آ رہا ہوں نا یہاں پر، میں 20 سال سے آ رہا ہوں. مگر میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی کو چلانے کے لیے وہاں کے شاگرد استاد معین نہیں کرتے. ہماری واحد یونیورسٹی ہے جسے چلانے کے لیے شاگردوں کو ہی معین کرنا پڑتا ہے، اور پھر شاگرد کہتے ہیں کہ یہ چلا نہیں، یہ نہیں چلا، یہ ہلکے رہے، یہ چلا نہیں پائے. کیا چل، کوئی گاڑی ہے یہ؟ اسے چلانا تھا، اچھا ڈرائیور نہیں بلایا. ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ذاکروں کے ساتھ اس طریقے سے کئی مرتبہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ایک مائک والے کو. بھائی بڑھیا مائک دینا، ٹھیک ہے، کہیں پر چونچا نہ بولے، فیل نہ ہو جائے. وہی حال ذاکروں کا ہے. اور جب وہ حال ہو گیا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے مکتب حسینی میں 1 سال بھی نہیں گزارا ہے، 1 سال بھی نہیں گزارا ہے، اس کو آپ بلاتے ہیں اور بلا کے آپ کہتے ہیں پڑھاؤ، ہمیں پڑھاؤ. بھیا اس کو ابھی پڑھنے کے لیے بھیجو کہ پہلے پڑھ کے آؤ پھر ہمیں پڑھانا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری مجلسیں دھیرے دھیرے کمرشلائز ہو جاتی ہیں، تو پھر فنکار آنے لگتے ہیں. غور کیجئے گا، پھر فنکار آنے لگتے ہیں، آرٹسٹ آنے لگتے ہیں. یہاں پر اساتذہ کی ضرورت ہے، آرٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ممبر اساتذہ کے لیے ہے، آرٹسٹ کے لیے نہیں ہے. ایک آیا فنکار فن دکھا کے چلا جائے اپنا،
ये فنکاری کی جگہ تھوڑی ہے. دیکھیں فن کس حد تک ہے قبلہ کی موجودگی میں, میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ ہم لوگ تقریباً ایک ہی دور رہا ہے ہم لوگوں کا بھی قم کا, کہ اس حد تک ہے کہ جب ہم نے ذاکری شروع کی تھی تو ہم کچھ علاقوں میں گئے, اور وہاں جب گئے تو بانی مجلس نے کہا حضور خیبر پڑھیے گا, سنیے حضور خیبر پڑھیے گا. میں نے چھوٹتے ہی کہا آپ نے اب تک خیبر نہیں سنی اتنے سالوں میں؟ کہنے لگا مولانا مجھ سے زیادہ خیبر تو کسی نے سنی ہی نہیں ہے. میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں سننا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں مجھے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, ہے نا؟ جس جگہ معیار ذاکر کو چیک کرنا ہو جائے گا وہاں کوئی کچھ نہیں سیکھ سکتا ہے. جس جگہ معیار یہ ہوگا کہ نہیں ان سے کچھ سیکھنا ہے وہیں پر کچھ ہو سکتا ہے. جب آپ ہماری صلاحیتوں کو چیک کرنے کے لیے بیٹھے رہو گے تو پھر کیا سیکھو گے آپ؟ کچھ نہیں سیکھو گے. آپ کو یہ لگے کہ یہ آدمی ہمیں کچھ نہیں سکھا رہا ہے, کچھ نہیں دے رہا ہے, تو آپ دو دن کے بعد اس کو رخصت کر دیجئے, میر انیس کے مرثیے پڑھ کے مجلس ختم کر دیجئے, مجلس ختم کر دیجئے. میر انیس کے مرثیے میں اردو ادب تو ہے, میر انیس کے مرثیے بچے سنیں گے تو اردو تو سیکھیں گے, کچھ تو سیکھیں گے, کچھ تو سیکھیں گے. لفظوں کی دکانداری تھوڑی ہوتی ہے ممبر پہ, جملوں کی مارکیٹ تھوڑی ہے یہاں. یہاں اہل بیت کا علم آپ کے پاس ہے تو دو, نہیں ہے تو آپ اپنے گھر بیٹھو. آپ یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہو نہیں محرم ہے تو مجلس میں تو جانا ہے تو ثواب تو ملے گا نا, نہیں ملے گا. ثواب معرفت کو کہتے ہیں. اگر ایک مجلس میں جانے کے بعد میرے اندر تبدیلی نہیں آئی, میرے اندر بدلاؤ نہیں آیا, یا میں سیدھے سیدھے کہوں میں اس مجلس سے پہلے امام حسین سے جتنی محبت کرتا تھا, اگر میری محبت میں اضافہ نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ میری معرفت میں اضافہ نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ نعرے سے کچھ ہوگا؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں نام لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کس پارٹی کو؟ ہر پارٹی کا اپنا اپنا نعرہ ہے, ہر پارٹی کا اپنا اپنا سلوگن ہے, لیکن آپ اپنے علاقے کے ایک میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کو بھی اگر ووٹ دیتے ہیں نا, کسی میونسپل کمشنر کو بھی اگر آپ ووٹ دے کے سلیکٹ کرتے ہیں اپنے علاقے کے, تو اس کو کرتے ہیں جو کام کرتا ہو, اس کو آپ چنتے, اس کو جن بھائی اس کو ووٹ دو, یہ تو صرف ہنگامے بازی کرے گا, یہ کچھ نہیں, یہ صرف ان کا نعرہ اچھا ہے, کام وام نہیں کرتے, یہ ان کو ووٹ دو یہ کام کریں گے. آپ اپنا ووٹ تو اس کو دیتے ہیں کہ جس کے یہاں عمل ہو. آپ یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ خدا آپ سے نعرے قبول کر لے گا اور عمل نہ ہو؟ خدا بھی ہم سے صرف عمل ہی قبول کرے گا, عمل کے علاوہ کچھ نہیں قبول کرے گا. خدا نعروں سے خوش نہیں ہوتا ہے, کرداروں سے خوش ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند عالم ہم سے عمل طلب کر رہا ہے بس, اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. من جاء بالحسنہ, جو بھی نیکیوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا, نیکیوں کے ساتھ جانا ہے, نیکیاں لے کے جانا ہے, توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ یہاں پر یہ جو مدرسہ بنایا گیا ہے, یہ جو مکتب بنایا گیا ہے, یہ مکتب صرف اور صرف اس لیے بنایا گیا ہے, ہم ایک ایسے معاشرے میں اب رہ رہے ہیں, میں بہت آرام سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہم ایک ایسے معاشرے میں اب رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اتنا پروفیشنل, یعنی ہم اتنے پروفیشنل ہو گئے ہیں, بلکہ ہم یہ مجھے کہنے دیجئے, ہم اتنے کمرشیل ہو گئے ہیں, اتنے زیادہ کمرشیل ہو گئے ہیں
कि नौहा पढ़ते हैं तो कमर्शलाइजेशन, कसीदा पढ़ते हैं तो कमर्शलाइजेशन, मजलिस पढ़ते हैं तो कमर्शलाइजेशन। आप लोग हैरानी से मत देखिए, मेरा बहुत नुकसान होता है, ठीक है, लेकिन वो फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। अगर कोई इस फायदे को समझ पाए तो आप गौर फरमा रहे हैं हम किस दौर में जी रहे हैं, हम किस दौर में जी रहे हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि देवल खुज़ाई ने इमाम से कहा हो कि मौला आपके यहाँ नौहा उसी वक्त पढ़ेंगे जब 1,00,000 रुपया दीजिएगा, आज देवल खुज़ाई का नाम मिंबर से कोई नहीं लेता अगर ये डिमांड कर देते तो। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा है, वो कमर्शियल है, वो कमर्शियल है। जो कमर्शियल होगा उसको मोहब्बत से क्या वास्ता, क्या वास्ता है? गुजरात वालों, जिस मिंबर पे बैठा हूं ये अपना पैगाम हर मिंबर पे दिया है तो आपको कहां से छोड़ दूंगा। इमाम हुसैन से तय करो, इमाम हुसैन से, एग्रीमेंट की बात कर रहा था ना मैं, इमाम हुसैन से तय करो कि किसी तय करने वाले को आज के बाद तय नहीं करोगे। करो तय, इमाम हुसैन से तय करो ना, ताकि कमर्शलाइजेशन ख़त्म हो यहाँ से। ये पाकीज़ा जगह है, बिज़नेस करना हो दुकान उसमें जाओ ना, मार्केट में जाओ ना, इमामबाड़े में क्यों आ रहे हो? ये बिज़नेस की जगह थोड़ी है, ये तिजारत की जगह थोड़ी है। हर चीज़ को तुमने इबादत गाहों को कमर्शियल बना दिया है। मैंने पहली या दूसरी मजलिस में कहा था कि सिस्तानी साहब का मसला हर इमाम, हर फकीह का मसला है, सारी तौज़ुल मसाइल में लिखा है कि एक इमाम जमात अगर इसलिए नमाज पढ़ा रहा है कि उसको उजरे चाहिए तो उसकी भी नमाज नहीं होगी। कमाल है, कमाल है। नमाज इबादतों का और दीन का एक जुज है, एक जुज अगर कमर्शियल हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, यहां से तो दीन दिया जाता है। अगर ये कमर्शियल हो जाएगा तो कहां से आपको, आप ये समझ रहे हैं कि हाँ दीन मिल जाएगा? नहीं। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि यहां से आने के बाद कोई पढ़ता नहीं है, ये बातें कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये हमारे खिलाफ है ना, ये तो खुद मेरे ऊपर जा रही हैं, ये तो खुद मेरे खिलाफ हैं, तो अपने खिलाफ कौन कहेगा? लिहाजा सारी बातें की जाती हैं, इस पर कोई बात नहीं होती। नहीं साहब, अइम्मा का दस्तूर था क्या? आप बताइए मुझे क्या था अइम्मा का दस्तूर? अइम्मा देते थे, अइम्मा से मांगने का दस्तूर नहीं था, अइम्मा देते थे, देने का दस्तूर था। और देते थे तो इतना देते थे तो कहते थे कि जो था वो सब दे दिया है, चूंकि तुमने इससे बड़ा काम किया है, ये तुम्हारा काम है, वो उनका काम है, वो उनका काम है कि जिन्होंने मजलिसों के लिए बुलवाया है, ये उनका काम है। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए ना। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जाकिरीन गुजरे हैं, सुनिए आप, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जाकिरीन गुजरे हैं कि जिनके लिए ये कहा जाता था कि जब कई जगह एक साथ मजलिस पढ़ने जाते थे तो जहाँ जहाँ से उनको पैकेट मिलता था उस पैकेट को घर ले आके मिला देते थे, मिक्स कर देते थे और अपने बच्चों को दे देते थे कि खोल लो, ताकि पता ना चले कि किसने क्या दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि जिसने कम दिया हो दोबारा उसके यहाँ जाने के लिए मेरा दिल जो है वो इनकार करे, नहीं ये नहीं, उन लोगों ने मोहब्बत में दिया है, मैं भी मोहब्बत में गया था। ये खुलूस कहाँ गया? ये इसी हिंदुस्तान की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं और के नहीं बता रहा हूँ। ये खुलूस कहाँ गया हमारा? ये मोहब्बत कहाँ गई हमारी? हम क्यों इतने कमर्शियल हो गए, और वो भी इमाम हुसैन के लिए? मत कीजिए मजलिस, मत बुलाइए। किससे सनद लेनी है आपको, किससे सनद लेनी है? आज जहां जहां भी मजलिसें होती हैं, ये हिंदू पाक के अलावा कहीं पर आप देख लीजिए, वो माहौल है जो हमारे यहाँ का माहौल है, कहीं वो माहौल नहीं। खामोशी के साथ एक मुबल्लिग जो है वो मुबल्लिग आता है कि जिसने हौजे में दर्स पढ़ा हो, दर्स पढ़ा हो। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं एक तालिबे इल्म हूं, कम से कम तालिबे इल्म हूं, कम से कम तालिबे इल्म हूं, और कमर्शियल ना हो। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह
अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि एक शख्स है अमरियास, और ये वाकया मैं बहुत पहले पढ़ा करता था। अमरियास नाम का एक शख्स है जिसे आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, मुशीर ख़ास है ये अमीर शाम का। तो आपको मालूम है कि ये शायर भी था, और ऐसा शायर था मौलाना फरमान अली साहब ने भी तذکرہ किया है अपने तफसीर में कुरान मजीद की। मौलाना फरमान अली साहब दरभंगा बिहार के, उन्होंने भी उसका ज़िक्र किया है उसकी शायरी का। वो शायर था और उसने मौलाए कायनात के बारे में मदा कही है। आप दुश्मन है मौलाए कायनात के ज़माने में, अगर शायद कोई सबसे बड़ा दुश्मन था तो यही था, सबसे बड़ा दुश्मन यही था जिसने वो अंगूठी वाले वाक़े के ज़रिए से मौलाए कायनात को मसनद खिलाफत से दूर रखने की साजिश रची थी, जिसके बाद मौलाए कायनात ने फरमाया था कि अगर अली के पेश नज़र खुदा ना होता तो फिर दुनिया देखती कि कौन बड़ा सियासतदान है, फिर दुनिया देखती। वो समझ रहा है कि सियासत की उसने, सख्तरीन दुश्मन है, लेकिन दुश्मन होने के बाद अली की मदा की है उसने। दुश्मन है लेकिन फिर भी अली के बारे में शेर कहे उसने। एक दिन इमाम हसन से मुलाकात हो गई तो इमाम हसन ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने बाबा के बारे में कुछ शेर कहे। कहाँ कहे तो हैं, कहा बेचोगे। तो ये बड़ा चक्कर में पड़ गया कि ये मामला क्या है। कहा कि फरजंदे रसूल, ये तो बस मेरी शायरी है, मैंने कह दिया, अब अली बाफजीलत इंसान थे, कह दिया। कहा कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि अपना ये शेर बेचोगे, चूँकि तुमने कहा है मेरे बाबा के बारे में, कहा तो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ। तो समझ गया कि लग रहा है कि आज फिर कमाई का ही दिन है। कहा चलिए ले लीजिए, आप ले लीजिए। कहा बताओ कीमत, बताओ क्या कीमत है। कहा अरे आप जो दे दिए। कहा नहीं नहीं, तुम्हारा माल है, तुम्हारा माल है, तुम कीमत बता दो जो भी है। तो उसने कहा कि लगता है कि आज अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, एक बड़ी कीमत बताई उसने। इमाम ने थैली में हाथ डाला अपने झोले में और उसको वो अशरफियाँ निकाल के या जो भी सोने के सिक्के थे उसके हवाले कर दिए। कहा ये लो शेर दे दो। ले लिया। असहाब जो है वो मौला के पीछे पड़ गए, ये क्या है, अब उसने शेर कहा तो आप शेर खरीद रहे हैं। शियों की हालत ऐसे ही ख़राब है, आप सोना दे के शेर खरीद रहे हैं। इमाम ने कहा रुक जाओ, सौदा हो जाने दो। सौदा हो गया, उसे पैसे दे दिए, आगे बढ़े। का मौला फलसफा समझ में नहीं आया आपका, ये आपने शेर क्यों खरीदे। कहा तुमने मेरे जद का कौल सुना है कि ए अली, जिसने तुम्हारे लिए एक बैत कही, अल्लाह उस बैत के एवज उसे जन्नत में एक बैत अता करेगा, ये सुना है ना। कहाँ सुना है। कहा तो फिर तो उमर रियाज भी दावेदार हो जाता, जन्नत में जाता तो रसूल का ये कौल है ना कि एक बैत के एवज जन्नत में बैत, तो ये भी वहां दावेदार हो जाता। कहा फिर आपने खरीदा क्यों। कहा खरीदा इसलिए कि जो भी अपना माल बेच चुका होता है वो दोबारा सवाब का हकदार नहीं होता है। शायरी कर रहे हो, कसीदे पढ़ रहे हो, नौहे पढ़ रहे हो, मजलिसें कर रहे हो, मजलिसें पढ़ रहे हो, खतीब समझ रहे हो, तो जिक्र को बेचते क्यों हो। उनसे उजरत लेने की कोशिश करो जिनके लिए ये जिक्र कर रहे हो। बड़ा सख्त मरहला है, बहुत सख्त मरहला है। आप लोग कह रहे थे ना कि आप 3 साल पहले भावनगर आए थे, आपने बड़ा सख्त पढ़ा था। मैं ऐसे ही सख्त हमेशा से पढ़ता हूँ, हमेशा से ऐसे ही सख्त पढ़ता हूँ। ये सब सख्त हैं, ये सब मराहिल सख्त हैं, लेकिन क्या करें, क्या करें। ये मिंबर हक बोलने के लिए ही है, हक बोलने के लिए। इमाम ज़माना का जब ज़ुहूर होगा, बिसुन्नतिन जदीद, बेकिताबिन जदीद और बेदीनिन जदीद, उनके लिए आया है, इमाम के लिए लफ्ज़ें आई हैं रिवायत में कि जब इमाम आएंगे तो नई सुन्नत के साथ आएंगे, नई किताब के साथ आएंगे, नए दीन के साथ आएंगे। तो लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि ये क्या कह रहे हैं आप, वो नया दीन लेकर आएंगे, वो नई किताब लेकर आएंगे, वो नई सुन्नतें लेकर आएंगे। कहाँ,
उनके आते आते हकीकी सुन्नत इतनी बदल चुकी होगी कि जब वो सुन्नत रसूल बयान करेंगे तो कहेंगे कि ये तो नई सुन्नत है। वो जब कुरान पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे ये कौन सी किताब है। वो जब दीन पेश करेंगे तो कहेंगे ये कौन सा दीन है, ये दीन तो हमारे यहाँ था ही नहीं। तो बाज़ लोग हैरान होते हैं, अब मिंबर तो इन सब बातों के लिए नहीं है। नहीं, मिंबर इन्हीं बातों के लिए है मेरे भाई, मिंबर इन्हीं बातों के लिए है। हमारे कान कुछ और सुनने के आदि हो गए हैं, हम किसी और चीज़ के सुनने के आदि हो गए हैं, वरना मिंबर सिर्फ और सिर्फ हक बयानी के लिए है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। سب کو بامعرفت زیارت نصیب توجہ فرما رہے ہیں خدا کے لیے، خدا کے لیے مادر حسین کا دل نہ دکھائے، مادر حسین کا دل نہ دکھائے۔ بہت سخت مرحلہ آئی، بہت سخت مرحلہ۔ جس دنیا پرستی کو دشمنان اہل بیت کا کردار مانا جاتا ہے، اگر وہی دنیا پرستی ہمارے یہاں آ جائے گی تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ میں کل سے اور کیا بیان کر رہا ہوں، شدت الحرص فی طلب الدنیا، رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ شقاوت قلبی، انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ امام حسین کے ذکر کے لیے ڈیمانڈ کر رہا ہے، سخت ہے، سخت ہو گیا ہے دل اس کا، یہ شقاوت ہے، یہ دنیا پرستی ہے۔ میرے بھائی، تمہارے مقدر کا ایک رزق ہے، وہ تم کو مل کر رہے گا۔ خدا سے طلب کرو، خدا سے طلب کرو، تمہارے اس سے قرض کہیں نہیں جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے کیا ہو گیا، دنیا طلبی نے کہاں کہاں پہنچا دیا۔ پاکستان کے حالات پیش نظر ہیں نا، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں پہنچا دیا دنیا طلبی نے، کروڑوں میں روپے آئے، کروڑوں میں، صرف انتشار پھیلانے کے لیے، صرف شیعہ اور سنی کو لڑانے کے لیے، صرف مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، دونوں طرف، دونوں طرف کروڑوں میں آئے، اربوں میں آئے، ہو رہے ہیں خرچ۔ اور ممبر کون سا استعمال ہو رہا ہے، امام حسین کا، امام حسین کا۔ آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس ممبر سے بلا وجہ دوسروں کی دلشکنی کا کام کر رہے ہیں، بلا وجہ، یہ وہ کام ہے جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ بعض نادان دوست ایسے ہیں جو فری میں وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے امریکہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، فری میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی تمیز نہیں کہ کیا پڑھنا ہے، یہاں پر آ کے کیا بولنا ہے، لفظوں کا انتخاب تک اچھا نہیں ہے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ امام حسین کا ممبر ہے بھائی، یہ امام حسین کے جد کا ممبر ہے، یہاں پر صرف ان کی باتیں کرو نا۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں نقل کیا، آخری وقت تک صرف اصلاح، صرف اصلاح، صرف اصلاح، اصلاح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور آپ بہانے بناتے ہیں کہ صاحب رسول کو ڈرانے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے آپ، کہ خوش کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، تو ایک خطیب آتا وہ ڈرا کے جاتا ہے، ہم آتے تو خوش کر کے۔ نہ، رسول دونوں کام اکٹھے کرتے تھے، دونوں کام انہی کا تھا۔ میں نے پہلے دن چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ذاکر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اتنا خوش فہم نہ بنا دے کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہاں تب جب جنت تو تبرک میں بڑھ گئی، اتنا خوش فہم نہ بنا دے، اور اتنا مایوس نہ کر دے کہ لوگ اپنے گناہوں کو سمجھیں کہ اب کہاں معاف ہو پائیں گے۔ نہ خوش فہمی میں مبتلا کرے، نہ مایوس کرے، اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال۔ والد مرحوم مولانا وفا ملک پوری کا شعر ہے، تیز خوشبو بھی اڑا دیتی ہے انسان کے ہوش، خیر بھی حد سے جو بڑھ جائے تو شر ہوتا ہے۔
हद से नहीं बढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ हद से नहीं बढ़नी चाहिए। दुनिया की तलब शिद्दतुल हिरस है, यानी बहुत ज़्यादा दुनिया की तलब है। हालांकि देखिए, जो कुछ आपको मिला है, एक बात और बता दूं कि रिज्क का मामला ऐसा है कि चाहे कोई पहाड़ खोद डाले, मिलेगा उतना ही जितना उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। चाहे कोई पहाड़ खोद डाले, आपको बताऊं, 70 साल तक खुदा ने फिरौन को एक बुखार में भी मुब्तला नहीं किया। सुनिए, ये सब मेंबर में नहीं पढ़ा जाता। 70 साल तक खुदा ने फिरौन को एक बुखार में भी, यानी ज़रा सी भी मुसीबत नहीं दी, ज़रा सी भी मुसीबत। खुदा वंदे आलम जिसको नहीं चाहता है उसको मुसीबत नहीं देता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। 70 साल तक उसे एक हल्का सा बुखार भी नहीं आया और मूसा का बचपना है और दरिया के हवाले कर दिए गए। खुदा जिसको चाहता है परेशानियाँ उसके लिए होती हैं, इम्तहान उसके लिए होता है, मुश्किलात उसके लिए होती हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सिर्फ इम्तहान इलाही के ऊपर मजलिस पढ़ूंगा, सिर्फ इम्तहान इलाही। खुदा वंदे आलम बग़ैर इम्तहान लिए किसी को पास ही नहीं करता। और जिसका इम्तहान नहीं लेता है, मैं आपसे कहूँ कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल IPS का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। अरे मौलाना, इतनी फेंकी है जितनी हम बर्दाश्त कर सकते। IPS का इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, आप पास हुए या नहीं हुए, लेकिन उस इंट्रेंस में बैठने के लिए भी आदमी को एलिजिबल होना चाहिए। कोई इंटरव्यू तक उसी वक्त पहुँचेगा जब रिटर्न में पास हो गया हो, है ना? एलिजिबल होगा तभी तो पहुँचेगा ना। लेकिन अगर कोई बैठ गया है एग्जाम में तो वो भी फख्र करता है। तवज्जो, अगर कोई बैठ गया है IPS के एग्जाम में तो वो भी फख्र करता है कि हाँ, मैंने फला साल IPS का एग्जाम दिया था, फेल हो गया अलग बात है, लेकिन बैठा था। क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा है कि हर कोई बैठ भी तो नहीं सकता, बैठेगा वही जो एलिजिबल होगा। यानी इम्तहान भी हमेशा उन्हीं लोगों से लिया जाता है जिनमें सलाहियतें होती हैं। अगर खुदा आपको इम्तहान में मुब्तला कर रहा है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, माबूद इस लायक तो समझा कि इम्तहान ले सके। वरना खुदा इम्तहान थोड़ी, खुदा ने फिरौन से कभी नहीं इम्तहान लिया, छोड़ दिया उसको, इस लायक ही नहीं समझता उसे, इस लायक ही नहीं समझता, छोड़ दिया उसको। कभी कोई छींक नहीं आई, कभी कोई बुखार नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया, कभी कोई नज़ला नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जब डुबाना होता है तो एक बार में डुबा देता है। वो खुश, इतना खुश फहमी में मुब्तला हो जाता है कि खुद को खुदा समझने लगता है, खुद को खुदा समझने लगता है। अगर आप कभी, काश मेरा ये जुमला दिलों में उतर जाए, अगर आप कभी मुश्किलात में घिरते हैं तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि माबूद तूने लगाम लगा रखी है, लगाम है जो लगी हुई है, ना 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 ना, भटकना नहीं, इधर उधर नहीं, रुको, मैं भी हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं भी तो हूँ। बैठे बैठे अचानक घर में बीमारी आ गई, ये क्या हो गया माबूद, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो हूँ। इतना गाफिल मत हो, मुझसे इतना गाफिल मत हो। खुदा अगर आपको इम्तहानात में मुब्तला करता है तो ये एक नेमत है, ये एक नेमत है कि हाँ, उसने इम्तहान में मुब्तला किया, मुझे इस लायक समझा, मुझे रोका है, अपने लिए रोका है, अपने लिए बचा के रखा है, अपने लिए बचा के रखा है। किसी मेहमान को आप रोकना चाहते हैं तो उसका सामान छुपा देते हैं, है ऐसा? सामान छुपाना किसी के लिए अजियत का सबब है कि नहीं है? लेकिन आप मोहब्बत में कर रहे हैं। कई मरतबा ऐसी मोहब्बत खुदा हमारे साथ भी करता है, हमारा अपना माल होता है छुपा देता है, रुको थोड़ी देर में दूंगा, कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। खुदा नहीं चाहता कि आप उसके पास से उठ के जाएं, खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता आप उसके पास रहें, आप उसके पास रहें, उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत आया है। छठे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं कि खुदा वंदे आलम की रहमतें मैदान, यानी इस दुनिया में तो जो हैं वो हैं, इस दुनिया में तो जो हैं वो हैं। एक मरतबा, मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं आज 9:30 पे बैठ गया था, पूरा वक्त हो गया।
ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے کسی نے پوچھ لیا کہ خدا کتنی محبت کرتا ہے, کتنی؟ اب جناب موسیٰ بھی چپ ہو گئے, کیا بتاؤں کتنی محبت, کوئی تول کے تھوڑی بتانا ہے, ناپ کے تھوڑی بتانا ہے اتنی کرتا ہے. جناب موسیٰ نے کہا کل بتاؤں گا. آئے مناجات کی, خدا سے معبود کیسے کیسے سوالات تیرے بندے کرتے ہیں, میں ان کو کیا بتاؤں کہ تو کتنی محبت کرتا, میں تو جانتا ہوں تجھ سے زیادہ کوئی نہیں محبت کرتا. کہا موسیٰ کل اس کو لے کر جاؤ فلاں جگہ فلاں پہاڑ پر, اس کو لے کر جاؤ, لے کر جاؤ کل, اسے بلاؤ. اب جناب موسیٰ اس کے گھر پہ گئے, کہا تجھے یہ پتہ کرنا تھا نا کہ خدا کتنی محبت کرتا ہے, چل. فلاں پہاڑ پر گئے, دیکھا ایک لڑکا ہے جو کسی عورت کو بال سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پہاڑ کی اونچائی پر لے جا رہا ہے, اور وہاں لے جا کے جہاں سے اس کے لیے, اس بڑھیا کے لیے اترنا محال ہے, وہاں لے جا کر اس نے اس کی آنکھیں نکال لیں. آنکھیں نکال کے وہ جانے لگا. کسی نے, یہ دنیا طلبی ہے, یہ دنیا طلبی ہے, کسی نے دنیا طلبی میں اس سے اس کی ماں کی آنکھیں مانگی تھی. قلب اتنا شقی ہو گیا کہ اپنی ہی ماں کی آنکھوں کو نکالنے میں اس نے کوئی مطلب اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کر کیا رہا ہے. جناب موسیٰ سے خدا نے کہا, خدا جانتے ہو یہ کون ہے دونوں؟ یہ دونوں ماں بیٹے ہیں, یہ ماں ہے وہ بیٹا ہے, اور دیکھو کیسے اس نے اس کی آنکھیں نکال لی. اب جو آنکھیں نکالی نا, تو آنکھیں نکالنے کے بعد جب وہ بیٹا جانے لگا تو اسے ٹھوکر لگی, ٹھوکر لگی تو وہ گرنے لگا, گرنے لگا تو اس کے منہ سے آہ نکلی, تو اس عالم میں بھی ماں کہتی ہے بیٹا سنبھل کے. کہا موسیٰ میں نے اس دنیا میں اپنی محبت کا صرف 10% بھیجا ہے, صرف 10% اس دنیا میں اپنی محبت کا بھیجا ہے, 90 ابھی میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے, یہ میری محبت کا صرف ایک مظہر ہے. جب 1% اتنا ہے تو 100% کتنا ہوگا. ماں پہ ظلم کر رہا ہے پھر بھی ماں کو اس کی فکر ہے. تم یہ مت سمجھو کہ کوئی اگر گنہگار ہے تو وہ خدا کی نگاہ میں اتنا مغضوب ہو گیا ہے کہ خدا اس سے محبت نہیں کرتا. اگر خدا گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا تو توبہ کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا, وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا. توجہ فرمانے, یہ محبت ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں دیکھیں یہ واقعہ تو یوں آیا تھا, وہ اس کو دکھا دیا کہ یہ ہے محبت خدا کی, تم تول تھوڑی سکتے ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں خدا کی رحمت اور محبت اتنی عام ہوگی, حتی یطمع ابلیس فی رحمتہ, اتنی محبت خدا کی عام ہوگی میدان محشر میں, اتنی رحمت عام ہوگی کہ شیطان کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا کہ لگتا ہے آج میں بھی معاف کر دیا جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اتنی رحمت اس کی عام ہوگی کہ شیطان کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اسے لگے گا خدا ہم سے بہت محبت کرتا ہے, خدا ہمیں بہت چاہتا ہے, بس صرف اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں کتنا چاہتا ہے, صرف اس بات کو. دیکھیے حسین سے محبت خدا سے ملاتی ہے, خدا کو پانا ہے تو حسین کے پاس آنا پڑے گا. حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے, ایسے قربان کیا ہے کہ سار اللہ ہو گئے, خدا کا خون, اللہ اکبر. حسین نے اپنا خون راہ خدا میں ایسے ملا دیا ہے کہ اب حسین کا خون خدا کا خون ہو گیا ہے, خدا کا خون ہو گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے, بہت سخت مرحلہ ہے. لیکن اگر اب وہ لوگ جو منبر پر بیٹھ کر, میں نے اپنے کانوں سے جملہ سنا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہ ذاکر بیٹھا ہوا ہے, اذان ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ خدا والے چلے جائیں علی والے بیٹھے رہیں, اللہ اکبر. ایسے ذاکروں کو اسی وقت ممبر سے کھینچ لینا چاہیے جس نے خدا والوں کو علی والوں سے الگ کر دیا. جو علی والا ہے وہی خدا والا ہے, جو خدا والا ہے وہی علی والا ہے. تم سمجھے ہی کہاں ہو,
तुम समझे ही कहाँ हो, तुम कहाँ ले जा रहे हो कौम को, तुम कहाँ ले जा रहे हो बच्चों को, तुम कहाँ ले जा रहे हो इन नौजवानों को, क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो। अली किस जात का नाम है, अली किस जात का नाम है, अली उस जात का नाम है कि जिस काबे में पैदा हो जाए उस काबे में बुत नहीं ठहरते हैं। इतना पाकीजा है, इतना रिवायत है कि बुत गिर गए, इतना पाकीजा है कि जिस काबे के जौफ में पैदा होता है वहां बुत गिर जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी के काबे दिल में अली हो और वहां कोई बुत हो, ये कैसे मुमकिन है। हवस का बुत, दुनिया का बुत, दुनिया परस्ती का बुत, ये कैसे मुमकिन है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अली की मोहब्बत इंसानों को पाकीज़ा करती है। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको हकीकी दीन से आशना करे, अहले बैत की मोहब्बत से आशना करे, और अहले बैत की मोहब्बत के ज़रिए से हम सबको अपनी हकीकी मोहब्बत अता करे। चौथे इमाम सहीफ़ सज्जादिया में फरमाते हैं, इलाही अस्अलुका अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इलाही अस्अलुका हुब्बका وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني الى قربك। चौथे माँ पालने वाले अपनी मोहब्बत दे दे, अपनी मोहब्बत दे दे, उसकी मोहब्बत दे दे जो तुझसे मोहब्बत करता है, उस चीज की मोहब्बत दे दे, उस अमल की मोहब्बत दे दे कि जो अमल तुझसे करीब करता हो। चौथे इमाम ये दुआ कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि खुदा वाले वहाँ चले जाएं और अली वाले यहाँ बैठे। शर्म आनी चाहिए, तालीमात अहले बैत को मिंबर पे बैठ के रौंद रहे हो, मिंबर पे बैठ के रौंद रहे हो। कौम की कोई ख़ता नहीं है कि कौम सुन रही है, इसलिए किसको नहीं मालूम है। मौलाना गुलाम अस्करी ताबसरा हमेशा कहा करते थे कि हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है, उसे बताया नहीं गया है। और क्या मिसाल दी उन्होंने कि जिस कौम का बच्चा पूरी रात खड़े होकर मातम कर सकता है उसे आप बेअमल कहेंगे, उससे ज़्यादा अमल वाला और कौन होगा। आपने जो बताया है वो कर रहा है, आप बताएं लोग अमल करते हैं। और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, पिछले 18 सालों से मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ और मैंने देखा है कि हमारी कौम बेअमल नहीं है, नहीं है बेअमल, यकीनन बेअमल नहीं है। चूँकि उनको जो कुछ भी अहले बैत के नाम पर दिया गया है इन्होंने उस पर अमल किया है, इन्होंने उस पर अमल किया है। कूफे का सारा मसाला बेखबरी थी, कूफे का सारा मसाला बेअमली थी। ये बेखबरी जब बेअमली के साथ मिल जाती है ना तो बहुत ख़तरनाक होती है। खबर हो जाए, खबर हो जाए। बहरहाल अब इससे ज़्यादा चूँकि मुझे बातें बहुत सारी अर्ज़ करनी थी लेकिन अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से अर्ज़ करूँगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत दुनिया परस्ती से दूर कर देती है, दुनिया परस्ती से कैसे नहीं दूर करेगी। गौर कीजिएगा मेरा जुमला, देखिए ये इस वक्त आया है जुमला, इमाम हुसैन के मुकाबले में जो भी आया है वो दुनिया लेने आया है। इमाम फिर से बोल रहा हूँ, इमाम हुसैन से लड़ने के लिए जो भी आया है वो दुनिया लेने आया है, और इमाम हुसैन खुदा पर लुटाने के लिए अपनी पूरी दुनिया लेकर आ गए, पूरी दुनिया अपनी लेकर आए, पूरी दुनिया अपनी लेकर आए। अली असगर पूरी दुनिया है हुसैन का, 4 साल की बच्ची पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है हुसैन की, जितनी बीवियां हैं सब आ गई हैं, बहन जैनब भी आ गई है, उम्मे कुलसूम भी आ गई है, कौन बचा है, कौन बचा है। खूबरू जवान था, ऐसा जवान था कि जिस वक्त जा रहा था ना उस वक्त खुदा को गवाह बनाया था इमाम हुसैन, अल्लाहुम्मा शहद अलाहुल कौम, ए मेरे माबूद गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना।
قد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. معبود اب اس کو بھیج رہا ہوں جو دکھنے میں بھی رسول جیسا ہے, سیرت میں بھی رسول جیسا ہے, منطق میں بھی رسول جیسا ہے. آپ سوچیں جب رسول کی زیارت کرنی ہوتی تھی حسین کو تو علی اکبر کو دیکھتے تھے, جب رسول کی زیارت کرنی ہوتی تب علی اکبر کو دیکھتے تھے. پوری دنیا تو حسین نے لٹا دی ہے. مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا آج, مجھے نہیں پڑھنا تھا, لیکن اب دیکھیے یہ بات آ گئی ہے نا, چونکہ یہ جملہ اس وقت آیا کہ حسین اپنی پوری دنیا لے کر آ گئے, اور حسین کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے سب اپنی دنیا لینے کے لیے آئے. خدا کے لیے حسین نے پوری دنیا لٹا دی. کیسی تھی حسین کی دنیا؟ مدینے میں ایک شخص آیا, یہودی تھا, آیا آ کے کہنے لگا کہ تم میں سے خدا کا رسول کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا رسول کہاں, رسول تو اب چلے گئے, رسول کا زمانہ ختم ہو گیا. تو کہا کہ رسول اب نہیں ہے. کہا نہیں, تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اس دنیا سے چلے گئے؟ کہا ہاں نہیں معلوم. کہا رسول کی کوئی تصویر ہے؟ کسی نے کوئی تصویر بنائی ہے؟ کہا تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا ہماری کتابوں میں رسول کی شباہت بتائی گئی ہے, میں وہ کتابیں لے کر آیا ہوں, میں ملانا چاہتا ہوں کہ اگر وہی شباہت ہے جو ہماری کتابوں میں ہے تمہارے رسول کی, تو میں کلمہ پڑھنا چاہوں گا. کہا نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے, چلو رسول کے نواسے ہیں حسین, ان کے گھر لے کے چلتے ہیں, شاید ان کے پاس کوئی تصویر ہو. اب امام حسین کے گھر آئے, اس یہودی کو لے کر آئے, کہا مولا یہ کوئی کتاب لے کر آیا ہے. کہتا ہے ہماری کتابوں میں رسول کی شبیہ بتائی گئی ہے, رسول کی صورت بتائی گئی ہے, رسول کے نئے نقش بتائے گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے مل جائے رسول کی صورت تو میں ایمان لے آؤں گا, میں کلمہ پڑھاؤں گا. تو امام حسین نے صحابہ اس کو رخصت کر دیا جو لے کر آیا تھا, کہا تم جاؤ اسے حجرے میں بٹھا دیا. کہاں ہے رسول کی تصویر؟ آؤ تمہیں رسول کی تصویر دکھاتے ہیں. لا کر بٹھا دیا حجرے میں. جناب زینب کو طلب کیا, جناب زینب سے پوچھا اکبر کہاں ہے؟ اکبر کو بلاؤ. جناب علی اکبر آئے. تاریخ کہتی ہے کہ رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا, رسول کی ہوا علی اکبر کے دوش پہ رکھی. اور نقل یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی امام حسین علی اکبر کو لے کر اس حجرے میں آئے ہیں, یہ کتاب بیٹھ کر پڑھ رہا تھا, یہ رسول کے نئے نقش پڑھ رہا تھا. جیسے ہی رسول کو, جیسے ہی علی اکبر کو امام حسین حجرے میں لے کر آئے ہیں, تو ویسے یہ دیکھتا ہے, کتاب دیکھتا ہے, علی اکبر کو دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد فوراً کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. جو نقشہ رسول کا لکھا ہوا ہے وہی ہے. تو فوراً کہتا ہے یہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ رسول مر گئے ہیں, رسول اب نہیں ہے, یہ تو ہے. کہا نہیں یہ رسول نہیں ہے, لوگوں نے صحیح کہا, یہ میرا بیٹا ہے, لیکن اس کی صورت ویسی ہے جیسی رسول کی. حسین نے اپنی پوری دنیا دے دی کربلا میں, اس کی صورت ویسی. اب آپ جانتے ہیں, جانتے ہیں میں نے یہ کیوں سنایا. اس نے کہا اگر رسول کی صورت یہی تھی تو مجھے کلمہ پڑھوائیے. کلمہ تو حسین نے پڑھوا دیا. جاتے جاتے اس سے پوچھا کہ سنو اگر خدا تم کو ایسا بیٹا دیتا ہے اگر خدا تم کو ایسا بیٹا دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو اس نے کہا آقا اگر خدا مجھے ایسا بیٹا دیتا تو میں سات پردوں میں اسے رکھتا, میں اسے سات پردوں میں. بس اتنا کہنا تھا کہ امام حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اس نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے تو یہی کہا نا کہ میں سات پردوں میں رکھتا. کہا ہاں تم سات پردوں میں رکھتے, لیکن میرے بیٹے کے سینے پر بچی کا پھل لگ رہا ہے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. اللہ اکبر. حسین نے اپنی پوری دنیا لٹا دی ہے. بس آج میں اسی پر مجلس ختم کر دوں گا. کیسی کیسی دنیا حسین نے اپنی اجاڑ دی ہے, کیسی کیسی. چھوٹے چھوٹے بھانجے ہیں امام حسین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, بھائی کا بیٹا ہے امام حسین کے ارد گرد گھوم رہا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت جناب قاسم کے خیمے میں رات میں امام حسین گئے ہیں رات میں دیکھنے کے لیے کہ ام فروا کیا کر رہی ہیں, تو دیکھا قاسم کو سامنے بٹھا کر کہہ رہی ہیں بیٹا کل جب جنگ ہوگی نا
तो अपने कदम पीछे नहीं रखना, क्योंकि कोई तुम्हारे बाबा को नहीं बोलेगा, सब मुझे बोलेंगे कि मेरी वजह से तुम्हारे कदम पीछे हटे, मुझ कनीज की वजह से तुम्हारे कदम पीछे हटे हैं। तो बेटा कहता है कि अम्मा सुबह तो नमूदार होने दो, फिर देखो कि मैं कैसी जंग करता हूँ। अब जैसे सुबह हो गई ना, तो बार बार जनाब उम्मे फरमा कासिम को बुलाती हैं, क्या हुआ इजाज़त नहीं ली, बार बार बुलाती, क्या हुआ इजाज़त नहीं ली। कहा मैं, अब देखिए मैं इमाम हुसैन की मोहब्बत दिखा रहा हूँ ना, क्या करूँ। अपनी अम्मा से आके कहते हैं, अम्मा क्या करूँ, जब चचा के सामने जाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे इजाज़त दीजिए, चचा मुँह फेर ले, चचा मुझसे बात नहीं करते। कहा फिर चचा को रोक कर पूछो ना उनसे, इजाजत क्यों नहीं लेते। अब जैसे ही गए हैं जनाब कासिम, दोबारा इमाम हुसैन से कहा है कि आका क्या मुझे इजाजत नहीं है, तो फौरन कहते हैं कि तुम मेरे भाई की निशानी हो, अल्लाह अकबर, जब मुझे भाई की ज़ियारत करनी होती है तो मैं तुम्हें देखता हूँ, अल्लाह अकबर। नहीं, हुसैन ने अपनी कौन सी दुनिया करबला में उजाड़ दी है, नाना को देखना होता था तो अली अकबर को देखते थे, भाई को देखना होता था तो कासिम को देखते थे, हर एक को खुदा की राह में हुसैन ने कुर्बान कर दिया। और सिर्फ कुर्बान नहीं किया है, अल्लाह अकबर, अब्बास जैसा भाई, अली असगर जैसा बेटा, सबको कुर्बान करने के बाद हुसैन ने सजदे शुक्र किया है और कहा है रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मारे खुदाया हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود بحق محمد و آل محمد امام حسین کے صدقے میں ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما. معبود تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اس منحوس بیماری کو اس دنیا سے رفع و دفع فرما. بارے لا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو پھر سے، جو لوگ جا چکے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، سب کو با معرفت زیارت عطا فرما. بارے لا بحق محمد و آل محمد جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد تمام عالم انسانیت میں امن و امان قائم فرما. بارے لا مصلح حقیقی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی. مرحومہ حاجیانی زہرا بانو بنت غلام حسین کھوٹ، مرحومہ خیر النساء بانو بنت محمد علی بانا، مرحوم جمیل حسین غلام حسین کھوٹ، مرحوم محسن علی جمیل حسین کھوٹ، مرحومہ آرزو فاطمہ بنت محبوب علی کھوٹ، مرحوم برکت علی حسن علی کھوٹ، مرحومہ گلبانو بین بنت برکت علی داودانی، اور آپ حضرات اپنے تمام بزرگان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آبا و اجداد، اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.